As you can see, it's raining cats and dogs. सुबह से बारिश गिर रहा है. So you won't imagine December का महीना चल रहा है और इतना बारिश गिर रहा है. तो I guess ठंड तो ज़्यादा पड़ेगा ही. तो फिलहाल यार मॉर्निंग का समय है तो यार कुछ एक्साइटिंग ब्रेकफास्ट बनाते हैं. So let's cook चाउमीन, जो बंगाली स्टाइल में हम बनाएंगे, जिसे हम नूडल्स भी कहते हैं. So देखते हैं कि आज मैं वो कैसे बनाता हूँ. तो चलो किचन चलते. तो गाइज दिस इज़ वॉट आई हैव परचेस्ड फ्रॉम अमेज़ॉन. ये एक वाइड एंगल लेंस है जो मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से. सो आज इसकी स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे कि ये वाइड एंगल लेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं. अगर मैं पैकेजिंग की अगर बात करूँ तो अमेज़ॉन की जो बेसिक जो पैकिंग होती है वो इसी में आया हुआ है. मुझे पैकिंग काफ़ी अच्छा लगा. सेकेंड थिंग है ये इसका बॉक्स है, तो बॉक्स की स्पेसिफिकेशन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये है इंट्रोडक्शन 45x फोन लेंस, प्लस ये DSLR में भी आप इसे लगा सकते हैं, जिसके अंदर माइक्रो और साथ ही में वाइड एंगल जो है वो भी यहाँ पर है. तो इसमें लिखा है रिमूव कवर, इंस्टॉल लेंस ऑन द क्लिप होल्डर, अलाइन लेंस एंड कैमरा ऑन द मोबाइल फ़ोन, माइक्रो लेंस सेपरेटेड,
वाइड लेंस फ्रॉम माइक्रो लेंस, बेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द लेंस इज 3.5 सेंटीमीटर। उसके अलावा यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर फोकस, आप फोकसिंग जब आपको करना है तब आप इसे मोबाइल फ़ोन से आप जो ऑटो फोकस है आप उसे डिसेबल कर दीजिए और मैनुअली फोकस आप उससे कीजिए। सेकेंड थिंग है, यहाँ पर आप देखोगे कि कलर वेरिएंट्स है, इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, ब्लैक है, ये आप देख सकते हो कलर वेरिएंट्स यहाँ पर है। तो ये जो है लेंस कुछ इस प्रकार का है, वाइड एंगल है और मोबाइल फ़ोन कैमरा लेंस 40x वाइड एंगल माइक्रो लेंस, जो डिटेल में स्पेसिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। साथ ही में आप इसकी मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि एक जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है, जैपनीज़ टेक्नोलॉजी से बना हुआ लेंस है। तो अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और वोंट बिलीव इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो हम गाइज लेंस देख लेते हैं, ये देखिए ये लेंस है, इस पे एक जो बेसिक जो है लेंस कैप कवर आप देख सकते हो, और ये हुआ लेंस आप देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी बड़ा लेंस है ये। अगर आप इसे अनस्क्रू करते हैं तो ये सेम पीस आप जो है DSLR में आप अटैच कर सकते हैं, जब आप जो आप वाइड एंगल वगैरह कुछ अटैच कर सकते हैं तो यहाँ पर DSLR में ही अटैच हो सकता है। एट द सेम टाइम ये जो है ये आपका माइक्रो लेंस है, जहाँ पर आप माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जो आप फोटो लेंगे आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने इसे बंद कर दिया। और बिल्ड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी जो है ये बना हुआ है पूरा मेटल से, आप देख सकते हैं टोटली मेटल है, थोड़ा सा हल्का सा वेटी है, पर मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यूजुअली हम जो भी कैमरा लेंस हम लेते हैं स्पेशली जो हम सेलफोन के ऊपर हम अटैच करते हैं, वो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिप करोगे तो आप देखोगे कि एक स्क्रीन पर एक ब्लैक स्पॉट आता है, ये इस लेंस में बिल्कुल नहीं आता क्योंकि ये काफ़ी वाइड है, और इस वजह से आपका जो फोकसिंग आपका जो ये होता है जो आपका वीडियोज़ जो आते हैं वो नीट एंड क्लियर होता है। सो गाइज एक बार हम इस लेंस को देख लेते हैं और इसके कुछ सैम्पल फुटेज हम देखते हैं। गाइज इसके साथ में हमें मिलता है ये पाउच, जहाँ पर हम सेफली अपना लेंस जो है इसके अंदर हम रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पाउच है। पाउच में हम देखें तो रेक्सिन मटेरियल से बना हुआ है, जिससे आपका ये जो लेंस है काफ़ी सेफ रह सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट साथ में लेंस कैप मिलता है, ये देखिए लेंस कैप जो है आप इसे कवर करके यहाँ पर जो है रख सकते हैं, बोथ द साइड आपको लेंस कैप मिलता है यहाँ और वहाँ। साथ में एक बड़ा सा जो क्लिप है ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर फ़ोन जहाँ पर अटैच होता है आप ये लगा सकते हैं। सो गाइज दिस वॉट यू आर लुकिंग, इट्स विदाउट लेंस। तो अभी मैं इस पर लेंस प्लेस करूँगा तो जो आप डिफरेंस जो है जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कैसे बढ़ जाएगा आप खुद आप नोटिस कर सकोगे। ये मैंने लेंस मैंने लगा दिया, सो आप देखोगे कि जो लेंथ है वो यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ से इंक्रीज हो चुका है। जो डिस्टेंस है यहाँ से पहले जो था अब यहाँ पर से जो यहाँ से यहाँ तक था जो नॉर्मल कैमरा, अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक हो गया है। सो गाइस बेसिकली आप इसमें एक इफेक्ट देख सकोगे कि ये जो ये यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ का पोर्शन आपको एक ब्लरी इमेज ब्लरी इफेक्ट आपको दिखेगा यहाँ पर यहाँ पर। ये बेसिकली जो DSLR फॉर्मेट जो होता है, DSLR से जब आप शूट करते हो तो ऐसा फॉर्मेट एक आता है। अब वापस से हम चेक करेंगे विदाउट लेंस, तो ये मैंने लेंस हटा दिया आपके सामने, आप देखोगे ये देखिए। गाइज स्पीकिंग ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड दिस ईयर 2018, तो आप देखोगे काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सी जो है इस साल हुए थे, जैसे कि साहिल खान और संग्राम चौगले का कॉन्ट्रोवर्सी था, राखी सावंत और दीपक कलाल का। सो गाइज हमारे चैनल पे भी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था। दिस वीक आई हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑफ वेडिंग, जो मैंने वेडिंग का जो वीडियो था वो मैंने अपलोड किया था, तो एनी हाउ टू सम पर्सनल रीजन्स टू सम अदर रीजन्स वो वीडियो मुझे डाउन करना पड़ा, क्योंकि कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस थे जिस के वजह से मैंने वीडियो को मैंने डाउन कर दिया। और एट द सेम टाइम मैंने एक दूसरा जो वीडियो है मैंने वो अपलोड कर दिया है,
सेम वीडियो है, थोड़ा सा एडिटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स को लगा होगा कि यार ये सेम वीडियो कैसे इसने दोबारा डाला है। तो यूजुअली क्या होता है कि मैंने उस वीडियो को एडिट किया है, एडिट करने के बाद मैंने उसे रीअपलोड मैंने किया है, तो उसका जो लिंक है या फिर उस वीडियो को मैंने एंड स्क्रीन में रख दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सो गाइस, आई थिंक ये वीडियो इस साल का हमारा लास्ट वीडियो है और 2019 आ रहा है, तो हम प्रे कर रहे हैं कि हम अपना कंटेंट और भी अच्छा करें और यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा चैनल भी बहुत ही अच्छा ग्रो करे। और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना अच्छा कंटेंट हमें भी बनाने को अच्छा लगेगा, प्लस हम भी उतना मेहनत करेंगे कि आप लोगों को और भी अच्छा डिलीवरी हम दे सकें और अच्छा जो कंटेंट है प्रोडक्ट हम दे सकें। सो गाइज, बेसिकली तो फिलहाल क्रिसमस का केक, ये केक आ गया है, कैडबरी एक मुँह मीठा कैडबरी हो जाए, हम फिलहाल मुँह मीठा कर रहे हैं, मुँह मीठा हो जाए, और नया साल है तो सॉसी हम कैडबरी नया साल है तो हम यही प्रे करेंगे कि सबका साल बहुत ही अच्छा रहे। और आने वाने डिस्टर्ब डिस्टर्ब कर रही है, देखो जल्दी डिस्टर्ब कर खा रही है वरना मुझे। मैं खा जाऊंगी। आने वाले साल काफ़ी अच्छा रहे और यही प्रे करेंगे, आप लोगों तेरे का साथ सपोर्ट तेरी हमें बीवी और चाहिए। तेरा बच्चा रहे, नहीं, ये फिलहाल तो अभी नहीं, फिलहाल अभी नहीं, अभी नहीं, जब आने वक्त वाला आएगा साल तब आप अच्छा लोगों को रहे। पता चलेगा। तो फिलहाल कैडबरी कैडबरी की अनबॉक्सिंग करें, करें 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 नहीं, फिलहाल हम कैडबरी की अनबॉक्सिंग नहीं ओनली करेंगे, और वन इतना चॉकलेट मैं नहीं खाता, वन वन, इतना इतना चॉकलेट मैं नहीं मैं खाता इतना देती भी नहीं हूँ, वन। इतना। अरे बाप रे, खाओ क्वाइट चॉकलेट, टफ। अरे छोड़ के खाओ, वो ठीक है। अरे ना, खले खले, अरे दिन तेरी नहीं 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 पूरा दिया, मैं कम नहीं खाती, मैं ज्यादा ही खाती हूँ, मेरा आप कैलोरीज लोगों को उसको दे पता दिया मैंने, मेरा जो कैलोरीज है वो उसको दे दिया। है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और एवरी टाइम वो सेम थिंग ही बोलूंगा कि जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के पास एक बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए। और गाइज, वीडियो शेयर करो यार, अब जितना शेयर करोगे मुझे भी फायदा होगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा है काफ़ी। तो गाइज, ऑन दैट नोट इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंड सेटर रणवीर।